स्टूडेंट्स, मारामूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज 3.9 करेंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग इस एक्सरसाइज में कुछ और फार्मूलाज को कंस्ट्रक्ट करेंगे। कुछ और फार्मूलाज हैं जो इस एक्सरसाइज में हम यूज करेंगे। तो ये जो जितने भी फार्मूलाज हैं, वो सभी के सभी पिछले जो हमने फार्मूलाज किया है, उन सबसे ये फार्मूलाज बने हैं। तो स्टूडेंट्स, इन फॉर्मूलाज को आपने लर्न करना है, और इनके किए बिना और इनको किए बिना आप और इनको किए बिना आप स्टूडेंट्स, इन फॉर्मूलाज के बिना आप एक्सरसाइज को नहीं कर पाएंगे। तो बड़े ही सिंपल फार्मूला हैं। देखिए स्टूडेंट्स, sin 2a का फार्मूला हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। sin 2a को स्टूडेंट्स मैं sin a + a बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे sin a + b का फार्मूला, sin a cos b, cos b + cos a sin b, cos a sin b, वो फार्मूला हमने अप्लाई किया। तो ये देखिए sin a cos a, यानी ए बी ए है और बी ए है। sin a cos b + cos a sin b, b की वैल्यू भी हमारे पास a है स्टूडेंट्स, यानी sin a cos a, ये 2 sin a cos a बन गया हमारे पास फार्मूला। दूसरा स्टूडेंट्स, मैं क्या करता हूँ, इसको 2 sin a cos a, ये एक फार्मूला बन गया स्टूडेंट्स। अब दूसरा फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला हमारे पास, अब दूसरा फार्मूला sin 2a का क्या है, यानी 2 sin a cos a को अगर मैं sin² a + cos² a से डिवाइड कर दूँ तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि sin² a + cos² a 1 होता है। अब मैंने क्या किया, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को cos² से डिवाइड कर दिया, यानी 2 sin a cos a cos² a से डिवाइड कर दिया स्टूडेंट्स, और डिनोमिनेटर को भी sin² a + cos² a है, इसको भी सारे को cos² a से डिवाइड कर दिया, यानी cos² a से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक कोस कैंसिल, ये बन गया 2 tan a, और डिवाइड में sin² / cos² a, ये 10² और cos² / cos² a 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स। cos² से cos² 1 हो जाएगा, और इसके डाउन में करेंगे तो tan² a, यानी हमारे पास sin 2a के दो फार्मूला, हमारे पास स्टूडेंट्स sin 2a के टू फार्मूलाज हमारे पास बन गए हैं। एक तो हो गया हमारे पास 2 sin a cos a, और दूसरा क्या है हमारे पास 2 tan a / 1 tan² a। अब स्टूडेंट्स, cos 2a का भी सिमिलरली हम फार्मूला बनाएंगे। कैसे, cos 2a को cos a + a बोल सकते हैं। तो cos a + b का फार्मूला, cos a cos b - sin a sin b, sin a sin b, b b हमारे पास sin a है, तो ये बन गया स्टूडेंट्स cos² a - sin² a। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे cos² a को मैं 1 - sin² a, एक तो ये बन गया फार्मूला हमारे पास, दूसरा cos² a को 1 - sin² a बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स। तो -sin² a कितना हो गया हमारे पास, ये बन गया 1 - 2 sin² a। तो दूसरा फार्मूला हमारे पास ये बन गया स्टूडेंट cos² a का, ये पहला हो गया, ये दूसरा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इसी में, या यहाँ पे करें sin² a को 1 - cos² a लिखें, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 1 माइनस, यानी cos 2a का तीसरा फार्मूला बनाने जा रहे हैं, 1 - 2 sin² a बना है स्टूडेंट। यहाँ पे sin² a का फार्मूला 1 - cos² a लिख सकते हैं, तो ये बनेगा 1 - 2, और माइनस प्लस का 2 cos² a, तो ये बन जाएगा 2 cos² a - 1। तो ये तीसरा फार्मूला हो गया स्टूडेंट्स। और हमारे पास चौथा फार्मूला मैं बनाने जा रहा हूँ, हमारे पास cos 2a किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, हमने cos² a - sin² a है पहला फार्मूला। तो मैंने अगेन इसको भी क्या किया, cos² a + sin² a से डिवाइड कर दिया, कुछ फ़र्क पड़ा, क्योंकि तो cos² a + sin² a 1 होता है। अब न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर को अगेन मैं क्या करता हूँ, cos² से डिवाइड करता हूँ, cos² a - sin² a, cos² a से डिवाइड करता हूँ सारे को, न्यूमिरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, cos² a + sin² a, इसको भी मैं डिवाइड करता हूँ cos² a से। तो ये आएगा स्टूडेंट्स मेरे पास, इसको cos² a से डिवाइड किया 1 - इसको डिवाइड करें tan² a, और इसको डिवाइड करें तो 1 + tan² a, यानी हमारे पास cos 2a के चार फार्मूले बन गए।
एक तो हो गया कोस स्क्वायर ए माइनस साइंस स्क्वायर ए, दूसरा हमारे पास आया वन माइनस टू साइंस स्क्वायर ए, तीसरा आया हमारे पास टू कोस स्क्वायर ए माइनस वन, और चौथा आया स्टूडेंट्स हमारे पास वन माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। अब इसी तरह से कोस टू ए के फार्मूले हो गए दो चार, हमारे पास साइन टू ए के देखिए दो फार्मूले हैं, कोस टू ए के चार। अब टेंजेंट टू ए का भी सेम ऐसे ही फार्मूला बनाएंगे स्टूडेंट। टेंजेंट टू ए को हम टेन ए प्लस ए बोल सकते हैं, तो टेन ए प्लस बी का टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी, बी भी हमारे पास ए है, अपॉन वन माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। तो ये फार्मूला बन गया हमारे पास टेन टू ए का, क्या बना टेन ए प्लस टेन ए टू टेंजेंट ए अपॉन वन माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, बी की वैल्यू कितने ए है तो बी की वैल्यू भी हमारे पास ए है स्टूडेंट, तो टेन स्क्वायर ए। तो ये फार्मूला बन गया हमारे पास टेन टू ए का। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से हम साइन थ्री ए का, कोस थ्री ए का और टेन थ्री ए का फार्मूला हम बनाएंगे। तो बुक में से आप खुद इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बुक में हमें गिवन है इसके प्रूफ, तो आप खुद बना लेना। लेकिन मैं आपको साइन थ्री ए का याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। साइन थ्री ए का अगर फार्मूला याद करना तो 31 माइनस 43 याद करें, 31 माइनस 43 क्या करें, थ्री को मल्टीप्लाई में लें, बीच में लिखें साइन, इनके बीच में साइन, और जो फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई में सेकंड पावर में, और इसी तरह से यहाँ पे फोर बीच में साइन लिखा, फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई में सेकंड पावर में, फोर साइन क्यूब ए, यानी 3 sin a - 4 sin³ ए साइन थ्री ए का फार्मूला। आप कंस्ट्रक्शन आप यहाँ से देख सकते हो स्टूडेंट्स, बुक में आपको जैसे उसने प्रूफ दिया है आप उस प्रूफ को पढ़ सकते हो, आपको समझ आ जाएगा, बड़े इजीली समझ आ जाएगा। तो प्रूफ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, यानी साइन थ्री ए को वो कहेगा ए प्लस टू ए, तो फिर वहाँ पे फिर फार्मूला अप्लाई कर देगा। चलो मैं इसको एक को बना के दिखाता हूँ, वैसे मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता दिया ये है, इसको मैं बना के दिखाता हूँ। यानी साइन थ्री है उसको मैं ए प्लस टू ए बोल सकता हूँ। अब क्या किया, साइन ए प्लस बी का फार्मूला, साइन ए कोस बी, कोस टू ए प्लस कोस ए साइन बी साइन टू ए। अब स्टूडेंट्स कोस टू ए का हमारे पास साइन ए एज इट इज, कोस टू ए का हमारे पास वन माइनस टू साइंस के लिए फार्मूला है, और प्लस ये देखिए हमारे पास कोस ए है, ये प्लस कोस ए, और साइन टू ए का टू साइन ए कोस ए फार्मूला है। अब देखिए स्टूडेंट्स आगे साइन ए माइनस टू साइन क्यूब ए आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिए प्लस टू साइन ए, और यहाँ पे कोस ए इंटू कोस ए, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब कोस स्क्वायर ए की वैल्यू रखता हूँ स्टूडेंट्स में, साइन ए माइनस टू साइन क्यूब ए प्लस टू साइन ए कोस स्क्वायर का फार्मूला वन माइनस साइन स्क्वायर है, तो हमने ये फार्मूला रखा। तो देखिए साइन ए माइनस टू साइन क्यूब ए, और टू साइन ए को यहाँ मल्टीप्लाई करें प्लस टू साइन ए, और टू साइन ए को यहाँ करें माइनस टू साइन क्यूब ए। तो स्टूडेंट्स देखिए साइन ए प्लस टू साइन ए 3 sin a, और टू साइन क्यूब ए 2 sin³ माइनस 4 sin³ ए। अब देखिए आप जो मैंने आपको फार्मूला बताया था वो वही बना स्टूडेंट्स, साइन थ्री ए का 3 sin a 3 sin a - 4 sin³ ए, ये देखिए 3 sin a - 4 sin³ ए। इसी तरह से स्टूडेंट्स कोस थ्री ए का भी मैं ट्रिक्स बताता हूँ आपको। यहाँ पे हमने 31 माइनस 43 किया था, तो यहाँ पे उल्टा करें 43 माइनस 31, सिंपल से याद करने का वे है। आप क्या करें बीच में कोस लिखेंगे इन दोनों के, पहला डिजिट मल्टीप्लाई में दूसरा पावर में, पावर में 3 यहाँ आ जाएगा, फिर अगेन पहला डिजिट मल्टीप्लाई में बीच में कोस लिखेंगे दोनों के, कोस का है फार्मूला, और दूसरा पावर में, तो यानी 4 cos³ - 3 cos a, ये हो गया कोस थ्री ए का फार्मूला। अब टेंजेंट थ्री ए के लिए आपने क्या याद रखना है स्टूडेंट्स, ये सेम बनाएंगे सिमिलरली, आप खुद इनको कंस्ट्रक्ट करेंगे स्टूडेंट, प्रूफ आप खुद करेंगे, कोई वैसे ज़रूरत नहीं है प्रूफ की। अब टेन थ्री ए का अगर याद रखना है तो आप रखेंगे याद 31 माइनस 13 अपॉन वन माइनस, यानी 1 माइनस 32, यानी 31 माइनस 13 अपॉन 1 माइनस 32, 31 माइनस 13 बटे 1 माइनस 32। बीच में आप टेंजेंट लिखेंगे स्टूडेंट्स, देखिए 3 tan a, पहला
मल्टीप्लाई में दूसरा पावर में, माइनस पहला मल्टीप्लाई 110 की दूसरा पावर में, अपॉन 1 माइनस यहाँ पे 3, ये टेंजेंट ये 2 है, ये दूसरा पावर में चला जाए टेंजेंट स्क्वायर ए। तो स्टूडेंट्स हम इस एक्सरसाइज में इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करेंगे। अब इन्हीं फॉर्मूला से हम कुछ और फॉर्मूलाज मैं आपको सिंपल से एक बताता हूँ, आपने वैसे ही करना है। जैसे हमने साइन 2a का फार्मूला किया है, 2 साइन ए कोस ए, यानी जितना यहाँ पे है उसका हाफ लिखा है यहाँ पे। अगर मैं ये कहूँ साइन ए का, यानी ये 2a है उसका हाफ a है, अगर यहाँ पे a होता तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, 2 साइन ए बाय 2 कोस ए बाय 2, यानी एंगल का हाफ आ जाएगा जितना यहाँ उसका। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास एक और फार्मूला था हमारे साइन 2a का, 2 टेंजेंट a अपॉन 1 प्लस टेंस के रे था। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अगर 2a तो यहाँ पे a, तो a है तो a बाय 2 आ जाएगा यहाँ पे, 2 टेंजेंट a बाय 2 यानी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a बाय 2। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम जो एंगल होगा उसका हाफ कर देंगे आगे। कोस 2a का हमारे पास फार्मूला है कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है स्टूडेंट्स, ये 2a है तो हम यहाँ पे a लिख रहे हैं, अगर a होता यानी कोस अगर a होता तो हम यहाँ पे कोस स्क्वायर a बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाय 2 लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये सभी फॉर्मूलाज के लिए आप खुद अप्लाई करेंगे, ये यही आपके पास वे रहेगा हर फॉर्मूलाज के लिए, यानी जितने यहाँ पे है उसका हाफ करेंगे आप फॉर्मूले में। अब स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो अब स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखते हैं, जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है वे इस एक्सरसाइज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये देखिए। इसके बाद ये मैं 6 से आगे कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये आंसर भी है इसमें। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट उसने कहा है फाइंड कोस 2 अल्फा, हमें कोस 2 अल्फा निकालना है क्वेश्चन मार्क। इफ साइन अल्फा क्या है हमारे पास, साइन अल्फा है 9/10, और स्टूडेंट्स अगर साइन अल्फा हमें पता है तो कोस 2 अल्फा का क्या फार्मूला है, साइन में हमने फॉर्मूलेज किए हैं कि उसमें कोस 2 अल्फा किसके इक्वल है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल है। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कोस 2a का फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो आपने ये देखिए ये कोस 2a के चार फार्मूले आपने लर्न करने हैं, ये चार हैं कोस 2a के। ये रहे स्टूडेंट्स हमारे पास ये वाले चार कोस 2a के हैं, और टेन 2a के हमारे पास एक ही फार्मूला है, और साइन 2a के हमारे पास ये दो फार्मूले हैं। तो आपने करने हैं लर्न, तो कोस 2a का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए है फार्मूला, तो 1 माइनस 2 साइन a की वैल्यू कितना 9/10, तो इसका स्क्वायर तो 1 माइनस 2 इंटू 81 अपॉन 100, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 100 एलसीएम, 100 माइनस 162 तो ये आया माइनस का 62 अपॉन 100, तो यानी ये आ गया कोस 2 अल्फा। और इसको हम कैंसिल करें तो 31 अपॉन क्या आ जाएगा 50। अब सेकंड में हमने क्या निकालना है स्टूडेंट, कोस अल्फा गिवन है माइनस 3/5, तो कोस 2 अल्फा निकालना है। तो कोस 2 अल्फा का कोस में क्या फार्मूला है, वो है हमारे पास 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ये देखिए स्टूडेंट्स आप देख सकते हो 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 कोस 2 ए का फार्मूला। तो स्टूडेंट्स 2 कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस 3/5 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 इंटू 9/25 माइनस 1, तो यहाँ से स्टूडेंट्स 18/25 एलसीएम आ गया माइनस 25, तो आया माइनस का 7/25। अब स्टूडेंट्स हमें थर्ड पार्ट में इसके फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है उसमें हमें गिवन है कोट अल्फा इज इक्वल टू माइनस 12/5, यानी कोट अल्फा माइनस 12/5 है तो टेंजेंट अल्फा कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 5/12, हमें कोस 2 अल्फा निकालना है। अब कोस 2 अल्फा का टेंजेंट में फार्मूला अब देख सकते हो आप स्टूडेंट्स, टेंजेंट में क्या फार्मूला है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यानी यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स
वन माइनस टेंजेंट स्केयर अल्फा अपॉन वन प्लस टेंजेंट स्केयर अल्फा। तो स्टूडेंट्स ये आया वन माइनस टेंजेंट, टेंजेंट अल्फा की वैल्यू माइनस फाइव बाई ट्वेल्व इसका स्केयर अपॉन वन प्लस माइनस फाइव बाई ट्वेल्व का स्केयर। तो आया वन माइनस ट्वेंटी फाइव बाई वन फोर्टी फोर, वन प्लस ट्वेंटी फाइव बाई वन फोर्टी फोर। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया स्टूडेंट्स 144 एलसीएम, तो 144 माइनस 25 और यहाँ पे 144 एलसीएम 144 प्लस 25, तो इससे एक आंसर स्टूडेंट्स। तो ये आया कोस 2 अल्फा आया हमारे पास 144 माइनस 25 यह आएगा 119 अपॉन 144 प्लस 25 यह आएगा स्टूडेंट्स 169, तो 119 अपॉन 169। अब स्टूडेंट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन टू थीटा, नंबर सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, साइन टू थीटा हमें निकालना है। क्वेश्चन मार्क नंबर वन, हमें गिवन क्या है, साइन थीटा गिवन है। जब साइन थीटा गिवन है हमारे पास 3/5, सो साइन थीटा से हम कोस थीटा निकालेंगे, तो कोस थीटा निकालेंगे हमारे पास वन माइनस साइन स्केयर थीटा और सारे का स्केयर रूट, यानी वन माइनस 3/5 का सारे का स्केयर, सारे का स्केयर रूट। तो आएगा स्टूडेंट्स 1 माइनस 9/25 सारे का स्केयर रूट, तो 25 एलसीएम, तो 25 माइनस 9 सारे का स्केयर रूट, 25 माइनस 9 16 का स्केयर रूट 4/5। तो कोस थीटा आया स्टूडेंट्स हमारे पास 4/5। तो साइन टू थीटा निकालना है, तो आएगा स्टूडेंट्स 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो 2 साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू 3/5 और कोस थीटा की वैल्यू 4/5। तो 4 × 3 = 12 × 24 बटे कितना आया 25। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमें सेकंड में निकालना है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, हमें पता है कितना है 1 है, तो हमें साइन टू थीटा निकालना है। तो क्या करें स्टूडेंट्स, स्केयरिंग बोथ साइड करते हैं, स्केयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्केयर करते हैं। यहाँ पे साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्केयर और यहाँ पे वन का स्केयर, तो स्टूडेंट्स ए प्लस बी का होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी, टू साइन थीटा कोस थीटा और यहाँ वन का स्केयर वन, तो साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा वन, और टू साइन थीटा कोस थीटा किसका फार्मूला है स्टूडेंट्स, साइन टू थीटा का फार्मूला है और इज इक्वल टू वन, वन से वन कैंसिल, तो साइन टू थीटा किसके इक्वल आया स्टूडेंट्स हमारे पास 0 के। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2x, हमें निकालना है, फाइंड करना है, फाइंड साइन 2x कोस 2x टेंजेंट 2x, इफ टेंजेंट x किसके इक्वल है स्टूडेंट्स 24/7 एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब स्टूडेंट सिंपल से हम टेंजेंट x है, टेंजेंट x 24/7 है, तो टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूस निकालना है, हाइपोटेन्यूस क्या है p का स्केयर प्लस b का स्केयर सारे का स्केयर रूट। तो सिंपल से स्टूडेंट 24 का स्केयर प्लस 7 का स्केयर और सारे का स्केयर रूट, तो ये आएगा 576 प्लस 49 सारे का स्केयर रूट। तो हाइपोटेन्यूस आ गया स्टूडेंट 625 सारे का स्केयर रूट, तो हाइपोटेन्यूस आया 25। अब देखिए हमें निकालना क्या है, साइन 2x, हमें स्टूडेंट्स टेंजेंट x पता है, साइन 2x कोस 2x टेन 2x निकालना है। अब कोस x निकालते हैं, टेंजेंट x से कोस x, x कौन से क्वाड्रेंट में स्टूडेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो x थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव है, तो कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस कितना है 7, ये देखिए बेस 7 है और हाइपोटेन्यूस कितना है 25, तो माइनस का साइन, इसलिए क्योंकि कौन से क्वाड्रेंट में है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में है। और साइन x कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स हमारे पास, साइन x आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कोस दोनों नेगेटिव हैं, तो आएगा माइनस पी, परपेंडिकुलर कितना है स्टूडेंट 24 और हाइपोटेन्यूस है 25।
अब निकालना क्या है, साइन टू एक्स। साइन टू एक्स का फार्मूला है स्टूडेंट्स, टू साइन एक्स कोस एक्स। अब टू साइन एक्स की वैल्यू है -7/25 और कोस एक्स की वैल्यू है -24/25। तो स्टूडेंट्स 7 × 14 को 24 से मल्टीमाइज माइज प्लस, 14 × 56, 14 × 28 और 5 = 33, 336/625। अब निकालना है कोस टू एक्स। कोस टू एक्स का फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, कोई भी फार्मूला आप लगा सकते हो, यानी कोस की रेक्स माइनस साइंस की रेक्स वाला भी लगा सकते हो आप लोग। अब कोस एक्स की वैल्यू है -7/25 का स्केयर, माइनस साइंस की रेक्स वैल्यू -24/25 का स्केयर, तो यानी 49/625 -576/625। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 49/625 -576, तो 6 − 9 = 16 − 9 आएगा, ये आएगा 7, यानी माइनस का 527 आ जाएगा स्टूडेंट्स अपॉन 625। नेक्स्ट निकालना स्टूडेंट टेंजेंट 2x। अब टेंजेंट 2x का फार्मूला क्या है, 2 tangent x अपॉन 1 − tan square x। अब 2 tangent x, टेंजेंट x की वैल्यू उसने दे रखी है स्टूडेंट 24/7, तो 24/7 (1 − 24/7) का स्केयर, तो आया 24 × 48/7 और नीचे 49 सेल्सियम आ जाएगा स्टूडेंट्स, यह 7 का स्केयर है 49, तो यहाँ पे 49 − 24 का स्केयर 576। तो ये आया स्टूडेंट्स 48/7 = 49 ऊपर चला जाएगा और 49 − 576, 16 − 9 = 7 और स्टूडेंट्स यहाँ पे 16 − 9 = 7 आ जाएगा और 6 − 4 = 2 आ जाएगा, यानी 527 आ जाएगा माइनस का। अब देखिए 7 7 जा, तो ये आया स्टूडेंट्स हमारे पास 7 × 56, 7 × 28 और 5 = 33, तो माइनस का माइनस से ऊपर चला गया, माइनस का 336/527, तो ये आया हमारे पास टेंजेंट 2x। नेक्स्ट करते हैं हम स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, इफ टेंजेंट x इज इक्वल टू 3/4 और x कौन से क्वाड्रेंट में है स्टूडेंट्स, पाई से 3π/2 के बीच में। हमें निकालना है, फाइंड क्या करना है हमें, sin x/2 हमें निकालना है स्टूडेंट, sin x/2 cos x/2 tangent x/2। अब स्टूडेंट sin x/2 का जो फार्मूला रहेगा हमारे पास वो रहेगा, sin x/2 का फार्मूला क्या रहेगा स्टूडेंट्स हमारे पास, देखिए स्टूडेंट sin x/2 का फार्मूला, हमें cos x का फार्मूला किया है 1 − 2 sin² x/2, क्योंकि अगर x है तो यहाँ पे उसका हाफ, मैंने अभी बताया था जितना यहाँ पे उसका हाफ लिखेंगे, तो यहाँ पे 2 sin² x/2 किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो मैंने अभी फार्मूला आपको बताया था, ये देखिए, यानी जितना यहाँ पे है उसका हाफ लिखेंगे a/2 सभी फार्मूलाज के अंदर। तो ये हमारे पास cos x का फार्मूला ये था, तो यहाँ पे 2 cos² x इस साइड में आ गया और 1 − cos x उस साइड में चला गया, तो sin² x/2 1 − cos x/2 और स्केयर है स्टूडेंट्स, तो sin x/2 क्या आ जाएगा, स्केयर आउट साइड में स्केयर रूट 1 − cos x/2 सारे का स्केयर रूट। और स्टूडेंट्स दूसरा हमने cos 2a का फार्मूला किया था, हमने 2 cos² a − 1 यही था, तो cos a का क्या आ जाएगा, यानी cos 2 को 2 cos² a/2 − 1, अगर a की वैल्यू x हो, a की जगह x हो, तो cos x का आएगा 2 cos² x/2 − 1 और हमें यहाँ से cos² x/2 मिलेगा, माइनस का 1 उस साइड आके प्लस का 1, यानी 2 cos² x/2 किसके को लाया स्टूडेंट्स हमारे पास, माइनस का 1 इस साइड आके प्लस का 1, 1 + cos x, तो cos x/2 आ जाएगा हमारे पास 1 + cos x/2 और स्केयर था इस साइड आके स्केयर रूट, यानी हमने साइन एक्स का ये फार्मूला, एक्स बाई टू का, कोस एक्स बाई टू का हम ये फार्मूला यूज करेंगे और टेंजेंट एक्स बाई टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, साइन एक्स बाई टू अपॉन कोस एक्स बाई टू,
तो साइन एक्स बाई टू भी निकालेंगे हम, कोस एक्स बाई टू भी निकालेंगे। तो ये फार्मूले हम यूज करेंगे स्टूडेंट साइन एक्स बाई टू निकालने के लिए, कोस एक्स बाई टू और टेंजेंट एक्स बाई टू निकालने के लिए। अब मुझे इन सभी फार्मूले में कोस एक्स की वैल्यू चाहिए स्टूडेंट, कोस एक्स चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, टेंजेंट एक्स है तो टेंजेंट एक्स क्या होता है, यानी टेंजेंट एक्स होता है हमारे पास 3/4, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस। तो हाइपोटेन्यूज निकालते हैं, यानी पी का स्केयर प्लस बी का स्केयर सारे का स्केयर रूट, तो 3 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर सारे का स्केयर रूट, तो 9 + 16 सारे का स्केयर रूट, तो यानी 25 का स्केयर रूट, ये आ गया हमारे पास 5। तो यानी कोस एक्स कितना आया स्टूडेंट्स, हमारे पास कोस एक्स आया, कोस एक्स क्या है स्टूडेंट्स, एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड में है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो पाई से 3π/2, यानी पाई से 3π/2 यानी थर्ड क्वाड्रेंट। सो एक्स की कोस एक्स आया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है स्टूडेंट्स 4 और हाइपोटेन्यूज कितना है 5। एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स स्टूडेंट्स, सो इस इट मींस थर्ड क्वाड्रेंट में कोस एक्स क्या होता है नेगेटिव, यानी कोस एक्स नेगेटिव आएगा तो -4/5 लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स जब एक्स हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में है तो एक्स किस में है, पाई से 3π/2 के बीच में है एक्स, तो एक्स बाई टू अगर मैं क्योंकि हमें एक्स बाई टू निकालना है स्टूडेंट्स, एक्स बाई टू ये देखिए एंगल एक्स बाई टू है, तो एक्स बाई टू किस में होगा स्टूडेंट्स, तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो इसको भी 2 से डिवाइड करें, इसको भी, ये आ जाएगा π/2 और ये आ जाएगा 3π/2 से डिवाइड करें तो 3π/4 आ जाएगा, यानी 90 से 135, ये 90 है ये 135 है, कौन सा क्वाड्रेंट है, यानी एक्स बाई टू लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो x बाई टू कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया। अब मुझे निकालना है साइन x बाई टू, अब साइन x बाई टू का फार्मूला क्या बना है हमारे पास, 1 - cos x/2, यानी 1 - cos x/2 और सारे का स्क्वायर रूट, और प्लस लेंगे क्योंकि साइन x बाई टू सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन कहते हैं पॉजिटिव, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 1 - cos x, cos x की वैल्यू -4/5, तो प्लस का 4/5 अपॉन 2 और सारे का स्केयर रूट, तो यहाँ से स्टूडेंट 5 LCM, तो 5 + 4 और बटे 2 है तो 2 यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट, तो 9/10, 9 का रूट 3 और 10 का रूट √10, तो 3/√10 आ गया स्टूडेंट्स। अब कोस एक्स बाई टू निकालना है स्टूडेंट्स, अब कोस एक्स बाई टू का फार्मूला क्या है हमारे पास, 1 + cos x/2, यानी 1 + cos x/2। अब एक्स बाई टू कौन से क्वाड्रेंट है, थर्ड में सेकंड में है, तो सेकंड में कोस क्या है नेगेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव 1 + cos x की वैल्यू कितना, -4/5, तो 1 + -4/5/2, तो स्टूडेंट्स यहाँ से माइनस एज इट इज, तो यहाँ से 5 LCM, तो ये 5 ± −4/2/2 है तो यहाँ पे लिखेंगे, तो आ जाएगा 5 - 4 = 1 और ये माइनस एज इट इज, और 5 × 2 = 10 और सारे का स्केयर रूट है स्टूडेंट्स, तो 1 का रूट √1 और 10 का रूट √10, तो आया -1/√10। तो टेंजेंट एक्स बाई टू निकालना है स्टूडेंट्स, टेंजेंट एक्स बाई टू आएगा साइन एक्स बाई टू अपॉन कोस एक्स बाई टू, तो साइन एक्स बाई टू की वैल्यू 3/√10 और कोस एक्स बाई टू क्या, -1/√10, तो √10 से √10 से कैंसिल, तो ये -3 आ गया स्टूडेंट्स, और टेंजेंट थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आया स्टूडेंट्स, तो ये आ गया हमारे पास टेंजेंट एक्स बाई टू। तो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन NCERT मैथ्स में भी है। अब देखते हैं थर्ड का, हम थर्ड पार्ट हमें दे रखा है फाइंड साइन एक्स बाई टू, हमें निकालना है स्टूडेंट साइन एक्स बाई टू, कोस एक्स बाई टू और टेंजेंट एक्स बाई टू। इफ़ कोस एक्स है हमारे पास -1/3 और एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, स्टूडेंट्स अभी हमने किया है सेम है क्वेश्चन, अब हमें कोस एक्स पता है तो एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड की तरह ही रहेगा। अगर एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से है, 180 से 270 तक होता है स्टूडेंट्स, तो एक्स बाई टू कहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स, 180/2 यानी 180/2 से 270/2 तक, यानी डिवाइड किया तो ये 90 और ये 135,
यानी x बाय टू कौन से क्वाड्रेंट में है, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब स्टूडेंट्स हमें निकालना है साइन एक्स बाई टू। अब साइन एक्स बाई टू का फार्मूला क्या है, वन माइनस कोस एक्स अपॉन टू और सारे का स्क्वायर रूट, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट वन माइनस कोस एक्स की वैल्यू है माइनस वन बाई थ्री, तो प्लस का वन बाई थ्री आ जाएगा अपॉन टू, तो ये आया स्टूडेंट थ्री एलसीएम, तीन प्लस एक और बटे दो पहले ही है, तो चार का रूट दो अपॉन रूट सिक्स, टू अपॉन रूट सिक्स। अब स्टूडेंट्स कोस एक्स बाई टू निकालना है, कोस एक्स बाई टू आएगा वन प्लस कोस एक्स, हमें फार्मूला अभी बनाया था ये देखिए, वन प्लस कोस एक्स बाई टू अपॉन टू और सारे का स्क्वायर रूट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव, तो आएगा वन प्लस कोस एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस वन बाई थ्री, ये देखिए माइनस वन बाई थ्री, तो ये प्लस माइनस वन बाई थ्री करेंगे अपॉन टू, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे थ्री एलसीएम, तो ये थ्री प्लस माइनस माइनस का वन अपॉन टू है, तो टू यहाँ पे लिखेंगे, तो यह आया स्टूडेंट्स टू अपॉन रूट सिक्स, टू वन जा टू थ्री जा, तो आया वन अपॉन रूट थ्री। स्टूडेंट्स आप इसको तीन और एक चार, यानी ये चार बटे हमारे पास ये है, ये जो ये आया है ये फोर बाय सिक्स है और इसका स्क्वायर रूट, तो टू टू जा टू थ्री जा, आप इसको रूट टू बाय थ्री भी बोल सकते हो, तो आपके पास दोनों ही आंसर सही हैं, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। अब स्टूडेंट्स हमें निकालना है, ये माइनस में आया है ना, आगे माइनस का साइन है, तो ये माइनस का हमारे पास वन बाय रूट थ्री आया, और टेंजेंट एक्स बाय टू निकालना है स्टूडेंट्स, तो टेन एक्स बाय टू होगा साइन एक्स बाय टू अपॉन कोस एक्स बाय टू, तो साइन एक्स बाय टू की वैल्यू है हमारे पास रूट टू बाय रूट, ये देखिए रूट टू बाय रूट थ्री है, तो रूट टू बाय रूट थ्री अपॉन माइनस वन बाय रूट थ्री, इससे ये कैंसिल, तो आया रूट टू अपॉन माइनस वन, तो ये माइनस रूट टू आया। अब स्टूडेंट्स इसका फोर्थ सम करते हैं, इफ़ कोस एक्स हमें गिवन है वन बाय टू ए प्लस वन बाय ए, शो करना है कोस टू एक्स इज इक्वल टू वन बाय टू इंटू ए स्केयर प्लस वन बाय ए स्केयर। अब देखिए स्टूडेंट कोस टू एक्स लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, हमें कोस टू एक्स का फार्मूला है टू कोस स्केयर एक्स माइनस वन, तो टू एज इट इज कोस एक्स की वैल्यू रखी हमने वन बाय टू ए प्लस वन बाय ए और इसका स्केयर है स्टूडेंट्स माइनस वन, तो टू एज इट इज वन बाय टू का स्केयर आ जाएगा वन बाय फोर, और यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्केयर का फार्मूला लगेगा स्टूडेंट, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी, टू इंटू ए इंटू वन बाय ए और यहाँ पे माइनस वन, तो टू वन जा टू टू जा, तो ये आया स्टूडेंट्स वन बाय टू, यहाँ पे ए से ए कैंसिल स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये बना ए स्केयर प्लस वन बाय ए स्केयर प्लस टू और माइनस वन। अब वन बाय टू को अंदर मल्टीप्लाई करें तो वन बाय टू इसकी इसके साथ अलग से मल्टीप्लाई कर देते हैं ए स्केयर प्लस वन बाय ए स्केयर से, और यहाँ पे स्टूडेंट्स वन बाय टू की यहाँ भी मल्टीप्लाई कर प्लस वन बाय टू इंटू टू इसके साथ अलग से कर देते हैं और माइनस वन, टू से टू कैंसिल स्टूडेंट्स, तो ये आया वन बाय टू ए स्केयर प्लस वन बाय ए स्केयर और प्लस वन माइनस वन, इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास आया वन बाय टू ए स्केयर प्लस वन बाय ए स्केयर। दिस वी हैड टू प्रूव दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी के इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है, अगर आपको समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।